students, how are you? I hope you will be fine. We have to complete the reading and some work of copy work of unit foolish talk, and also today we will do this exercise of unit the foolish talk. Question now, write sentences like this. इसमें है sheep. शीप इसकी अपने जो है ना इसकी मतलब साउंड्स लिखनी है कि जो एनिमल्स इनकी साउंड्स के शीप ब्लीट बी एल ई ए टी ब्लीट डॉग्स बार्क बी ए आर के बार्क कैट्स म्यू एम ई डब्ल्यू म्यू काउस मू यानी जो काउ है उसकी जो आवाज़ होती है वो कौन सी है मू डक्स क्वैक क्यू यू ए सी के क्वैक एफ पे है हॉर्सेस नी ठीक है ये इनकी साउंड्स हैं जो कि इन एनिमल्स की हैं और इसको अपनी इस तरह से अपनी कॉपीज पे नीचली काम करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंक्चुएशन का. री राइट दी सेंटेंसेस विद कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स. अब ये सेंटेंसेस जो हम करेंगे इसमें ये पंक्चुएशन है और इसमें आपने जो मेन चीज़ देखनी है कि जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो फर्स्ट लेटर होता है कि अगर वो स्मॉल लेटर है तो उसको आप कैपिटल करेंगे और अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और उसमें फुल स्टॉप नहीं है तो उसमें आपने जो यानी इस सेंटेंस में हम लोग दो चीज़ें करेंगे एक फर्स्ट लेटर लिखेंगे और दूसरा कैपिटल उसमें फुल स्टॉप यूज़ करेंगे. ठीक है दैट मैन इज़ अ स्पेस मैन ही लाइक्स टू फ्लाई. इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है या कोई मिस्टेक्स हैं इस सेंटेंस में. यस देयर द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर. ठीक है तो अब हम इसको इसका सोल्यूशन दैट मैन इज़ अ स्पेस मैन फुल स्टॉप. इसका टी हमने कैपिटल लिखा दैट का मैन इज़ अ स्पेस मैन फुल स्टॉप. उसमें आपने पीछे देखा तो ही स्मॉल लिखा हुआ था उसमें ये कैपिटल भी ये इसमें नहीं था यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था हमने फुल स्टॉप लगाया और ही को हमने कैपिटल कर दिया एच को कैपिटल किया. ही लाइक्स टू फ्लाई अब वो उड़ना पसंद करता है. नेक्स्ट है बी पे हीज फ्रेंड्स केम टू प्ले दे वेंट टू पार्क. अब यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल यहाँ पे क्या है इट्स स्मॉल है हम इसको एच को कैपिटल करेंगे. हिज फ्रेंड्स केम टू प्ले उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे उस टी को कैपिटल करेंगे दे वेंट टू द पार्क पार्क के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे. ठीक है नेक्स्ट है सी सम डॉग्स आर फुलिश सम डॉग्स आर वेरी क्लेवर. अब इसमें भी क्या है हम इसका एस कैपिटल करेंगे सम डॉग्स आर फुलिश उसके बाद कैपिटल करेंगे एस सॉरी फुल स्टॉप करेंगे यहाँ पे और फिर उसको हम एस जो है सम का एस है इसको कैपिटल करेंगे सम डॉग्स आर वेरी क्लेवर उसी तरह लिखे और लास्ट में हम इसका फुल स्टॉप लगा देंगे. लुक एट पेज 55 हियर यू आर लुकिंग कैट एंड माउस It is looking in a mirror and you have to write these sentences in copy and also you will write on your copies. Complete the sentences. The cat looks in a dash. The cat looks in a mirror. M-I-R-R-O-R mirror. Next है it sees a cat and a dash in the mirror. New cat की बात कर रहे हैं कि वो mirror में क्या चीज़ देखती है it sees a cat and a mouse. नंबर थ्री ई ट्राइज टू कैच द डैश वो कैच किसको कैच करने की कोशिश करती है माउस एम ओ यू एस ई माउस. नंबर फोर है द डैश रन्स अवे कौन दूर भाग जाता है द माउस रन्स अवे. नंबर फाइव है द डैश लुक्स फुलिश द कैट लुक्स फुलिश. नाउ कम ऑन पेज इससे पहले जितना भी आपको काम करवाया गया है वो आप लोग कॉपीज पे करेंगे और ये आप लोगों का बुक वर्क है. ठीक है ये बुक पे ही करेंगे और साथ इसको याद भी करेंगे. ओके Write sentences about the story using words from A and B. In each sentences, the worst has been done for you. यहाँ पे ये sentences दिए हुए इनको आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है. ठीक है टिपर लिफ्ट नंबर बी ही वॉज ऑलवेज ही फाउंड नंबर फोर पे ही स्टॉप्ड नंबर फाइव ही सॉ अ डॉग टिपर्स बोन नंबर बी में सॉरी बी कॉलम में है वेरी हंगरी अ बोन ऑन द रोड फेल इन टू द रिवर डी पे है इन द वाटर ई पे है ऑन द रोड एफ में है ऑन द ब्रिज. अब आप ये दो हमने पढ़ लिए हैं ए और बी के अब हमने इसको ए को बी के साथ मैच करना है टिपर लिफ्ट ऑन द रोड
जो टिपर है वो किस डॉग का नाम था, वो कहाँ पे रहता था? रोड पे रहता था। ही वॉज ऑलवेज हंगरी, इसको आप हंगरी के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है ही फाउंड अ बोन ऑन द रोड, उसको रोड से क्या मिली थी? बोन मिली थी। ही स्टॉप्ड ऑन द ब्रिज, वो ब्रिज पर रुक गया। ही सॉ अ डॉग इन द वाटर। नेक्स्ट है टिपर्स बोन फेल इन टू द रिवर, ये मैचिंग्स हैं आपकी, इसको आप लोग बुक पे करेंगे और साथ साथ भी करेंगे। ओके द कम्प्लीटली वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन एंड ऑल्सो चेक्ड बाई योर पेरेंट्स एंड एनी एल्डर एंड ऑल्सो टू लर्न ऑल योर वर्क बुक वर्क एंड कॉपी वर्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।